हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप अपने फ़ोन में जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक फॉर्मेट होता है, लाइक जैसे कि ये लॉक स्क्रीन है उसका जो क्लॉक फॉर्मेट है, और गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने हेलो लिख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो लिखा हुआ है। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखना चाहते हैं, क्लॉक फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं, लॉक स्क्रीन के लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, तो गाइज़ आज आपको हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि कैसे आप इसे चेंज कर सकते हो या भी सेट कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो गाइज आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ये सारी चीज़ें। तो गाइज सिंपली आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग पर आ जाना है। जैसे आप फ़ोन की सेटिंग पर आते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाइज देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, पर आपको लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आप लॉक स्क्रीन में काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पर जैसे आप क्लिक करते हैं गाइज, आपके सामने आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट। तो गाइस सिंपली लॉक स्क्रीन जो क्लॉक फॉर्मेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जो इसका लॉक फॉर्मेट है यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं जी, मैं कुछ यहाँ पे कुछ क्लॉक फॉर्मेट दिख रहे हैं, यहाँ से आप जो भी रखना चाहें, लाइक जैसे कि ये वाला या फिर ये वाला, जो भी आप यहाँ पर आसानी से रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। जैसे कि गाइस मैंने सिंपल में यही वाला रहने देता हूँ, और आपको जो भी रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और गाइस आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर नीचे लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो। लॉक स्क्रीन ओनर इन्फो पे आप जब भी कुछ लिखना चाहें, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक मैं इसकी हेलो बड़ी ये लिख दिया मैंने, हेलो बड़ी। तो गाइस आप जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए। तो सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है, और ये आपके जो लॉक स्क्रीन पर ये भी शो होने लग जाएगा। लाइक अभी मैं आपको दिखला देता हूँ कि जो आपने क्लॉक फॉर्मेट चेंज किया है वो भी चेंज हुआ है कि नहीं। जैसे कि लाइक मैंने जब पहले जैसे रहने दिया वैसे तो, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा था हेलो बडी, और यहाँ पे वो शो हो रहा है। तो अब लॉक स्क्रीन पे ऐसे कुछ लिखना चाहते हैं या फिर जो उसका क्लॉक फॉर्मेट है वो चेंज करना चाहते हैं, इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो आप आसानी से अभी वो जो चूल्हे बताया आप उसे करके उसे चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको सेटिंग पर जाना था, सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा था जो लॉक स्क्रीन का, उस पर आना था, और यहाँ पे अब आसानी से जो ये भी जितने भी चीज़ें हैं इन सबको आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन लॉक स्क्रीन जो लेआउट है यहाँ पे देख सकते हैं वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल पहले जैसे ही कर देता हूँ, ऐसे आप उसको चेंज कर सकते हैं, और कुछ लिखना चाहें लॉक स्क्रीन पर तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यह लिखा हुआ है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइज आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा गाइज। तो गाइज आपको मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।